नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुषमा सिंह। सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर यहाँ हाजी कटरा मोहल्ला इब्राहिमपुरा। क्या वजह थी कि आपके भाई ने ट्रेन के नीचे आके? इसका दिमागी संतुलन खराब था, इस वजह से जो है वो रात में 12 बजे निकला बाहर और हम लोग यार बार खोजे लेकिन दिखाना नहीं हम लोगों को। हम लोग खोजते खोजते ये बुआ की रान तो कहीं हुई है तो सवेरे आएगा। जब सबका हुआ तो ये खबर मिली कि वो ट्रेन तक कट गया है। जैसा कि आपने अभी बताया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, क्या उनका इलाज उलाज कहीं चल रहा था? हाँ, इलाज चल रहा था। कहाँ चल रहा? बेचू में। बेचू में इलाज चल रहा था। क्या घर में किसी बात को लेकर अनबन हुई थी उनसे किसी से? नहीं नहीं, कोई लेकर अनबन नहीं हुई थी। शादीशुदा थे? नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं थे। तभी यहाँ पे आप लोग को किसके द्वारा सूचना मिली आपको? वो बाहर के लोग दो तीन लोग गए थे, वो मोबाइल में जो है कि फ़ोटो लेके देखान, वही वजह से हम लोग को पता लगा। और भी कुछ नाम था इनका? रियाजुद्दीन और लोग बाबू कहते थे मैंने, हैं बाबू के नाम से हम लोग कहते थे उसको, लेकिन नाम था रियाजुद्दीन। आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।